हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। सीटेट का एग्जाम सामने है और आप सब के लिए एक वीडियो है ज्योमेट्री से रिलेटेड, जिस वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चंस दिखाया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो अभी। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें बोला गया है कि एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक सर्कल है। इस साइड का वैल्यू दिया हुआ है, BC का वैल्यू दिया हुआ है BC 6.3, MC का वैल्यू दिया हुआ है 2.7, हमें BL का वैल्यू निकालना है। तो इसको करने के लिए क्लास 10 में एक फॉर्मूला, एक थ्योरम है जो कहता है कि किसी भी सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं वो इक्वल होता है। क्या कहता है वो थ्योरम? कहता है मैं अगर एक सर्कल ले लेता हूं, एक बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, मान लो ये है एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, और ये मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये दोनों टेंजेंट, ये टेंजेंट है इस पॉइंट से ये एक्सटर्नल पॉइंट तक, मतलब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। अब इस पॉइंट से मैं एक्सटर्नल पॉइंट से मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होता है। ये थ्योरम है क्लास 10 ज्योमेट्री में, मैथ्स में आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो इसको अप्लाई करते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, हम अगर देख रहे हैं ये एक ये सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट, सारे एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। इसमें आते हैं, इससे देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट से यहां तक, ये सर्कल तक एक टेंजेंट है और इस पॉइंट से यहां तक एक टेंजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? ये और ये दोनों पार्ट इक्वल है, ठीक है ना। इसका वैल्यू दिया हुआ है हमें 2.7 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये 2.7 सेंटीमीटर ही होगा, करेक्ट। अब BC का वैल्यू हमारे पास से कितना है? 6.3। ये जो है इतना है हमारे पास 6.3, तो इससे इसको अगर माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो आएगा 3.6, ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक। अब इस पार्ट में आते हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, देखो ये दोनों यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये टेंजेंट है, दो टेंजेंट है और ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे ए रेफरेंस टू दिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी 3.6 सेंटीमीटर ही होगा, तो हमारा BL का वैल्यू निकालना था तो इसका करेक्ट आंसर है 3.6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया हुआ है, बोला है इन दोनों का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ये दोनों जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं ये है वो पॉइंट, MN पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें क्या करना है? M प्लस N का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें M और N का वैल्यू जानना होगा और MN क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब जहां भी क्रॉस करते हैं। अब किसी भी दो, ये क्या है? ये एक्चुअली लीनियर इक्वेशन है, पावर में कुछ है नहीं, तो इसलिए ऐसे इक्वेशन को, जैसे वेरिएबल जो है इसके पावर में कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट 1 तो है, 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन का यही रूल है। तो ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। अब ये क्या है? इन दोनों का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका भी ग्राफ ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। एग्जैक्टली इस साइड में नाम हो, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकते हैं, जस्ट फॉर आइडिया आपको समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। तो ऐसे इन दोनों का अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ, इनका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, ऐसे करते हैं ना, एक्स प्लस वाई का क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, एक्स वाई लिखते हैं, एक्स का वैल्यू एक एज्यूम करते हैं और वाई का वैल्यू निकालते हैं, ऐसे करके किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं है, अब शायद याद आ गया होगा आपको, ये आपने क्लास 10, 9, 10 और जूनियर क्लासेस में एक मिनट किया होगा, है ना। तो अब क्या है, हमें क्या करना है, इन दोनों की जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट पे, ये पॉइंट है MN, वो हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए वेरी सिंपल, हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, जैसे नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करते वैसे ही करना है, ठीक है। इन दोनों की जो भी सॉल्व करके जो भी आएगा एक्स वाई का वैल्यू, वही होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करते एक्स प्लस वाई, तो हम इसमें से एक्स इक्वल टू माइनस वाई लिख सकते हैं। अब एक्स इक्वल टू माइनस वाई यहाँ ले जाके पुट कर देंगे, क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस वाई अगर पुट करेंगे माइनस वाई, तो हमारे पास आ गया ये, और माइनस टू वाई इक्वल टू 24, वाई इक्वल टू माइनस 12, y आ गया हमारे पास -12। अब y अगर यहां पुट करता हूं मैं y का वैल्यू -12, तो x आ जाता है, कितना आ जाता है 12, तो y x 12 y -12, ठीक है ना। अब ये दोनों वैल्यू निकल, xy जो पॉइंट है, xy पॉइंट ये क्या है,
ये है 12 और -12, मतलब क्या है, मतलब ये हो गया कि ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो भी xy का वैल्यू है मतलब ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अभी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दोनों mn पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है, mn जो है वही है, सेम है mn और ये वैल्यू सेम है, ठीक है ना, मतलब m = 12 n = -12। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो हमारा आ जाता है 0, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। इस क्वेश्चन में बोला गया है हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है जो x एक्सिस के साथ पैरेलल है, और क्या है ये x एक्सिस से 3 यूनिट्स नीचे है, जो भी x एक्सिस xy एक्सिस होगा, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, उससे 3 यूनिट नीचे 1 2 3, यहां लिख लेते हैं -1 -2 एंड -3, 3 यूनिट नीचे, मतलब यहां पे कहीं लाइन होगा, मतलब पैरेलल लाइन ऐसे होगा, ये हम ले लेते हैं, ये देखो x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन हो गया और x एक्सिस से 3 यूनिट नीचे 1 2 3, 3 यूनिट नीचे है। अब इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब आपको देखने से लगेगा ये तो सिर्फ एक वैल्यू है, इक्वेशन कहां से हो गया, जी नहीं, ये इक्वेशन है, इसको इक्वेशन आपको शायद नहीं लग रहा होगा, जैसे मान लो मैं अगर मैं लिख लेता हूं ये आपको इक्वेशन लग रहा है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल है इसके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट ये जो है ये इक्वेशन कैसे हुआ, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, इसमें आप y आपको नहीं दिख रहा है ना, तो 0y लिख सकते हो, और ऐसे करके मैं जस्ट एक एग्जांपल फर्स्ट वाला ले रहा हूं, x - 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x + 0 * 0 * y मतलब 0 है, तो x + 0 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 को ऐड कर सकते हैं कहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हो गया है ना, आप देखने में ये इक्वेशन टाइप का लग रहा है ना, तो इसीलिए ऐसे जो भी कोई आपको ऐसा वैल्यू मिलता है या ऐसे इक्वेशन, इसको इक्वेशन ही मानना है, एक इक्वेशन है। अब हर एक इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उससे पहले वाले फर्स्ट वाले में हमने समझाया था लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ऐसे टेढ़ा होगा, कैसे होगा ये हमें पता नहीं है, तो उस ऐसे इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन कैसे होता है, ये बाय डिफॉल्ट अगर ऐसा एक वैल्यू के साथ आपको मिलता है तो समझ लेना ये पैरेलल है, आइदर वाई एक्सिस के साथ या फिर एक्स एक्सिस। अब ये जो है x equal to -3, ये वाला और ये वाला, जब x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जब आपके पास x का वैल्यू है तो समझ लेना ये y एक्सिस का पैरेलल है, बस ये याद कर लो, फिट कर लो, अगर x के साथ में कोई वैल्यू दिया हुआ है और ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है तो ये होगा y एक्सिस के पैरेलल, और अगर y वाला वैल्यू अगर होता है तो ये होगा x एक्सिस का पैरेलल। ये होता कैसे है, देखो मैंने जस्ट ये एक एग्जांपल लिया, मैं ये ले लेता हूँ y equal to -3, क्योंकि आंसर यही होगा। अब ये हुआ कैसे इसको दिखाते हैं, ठीक है, y equal to -3 ये हुआ आंसर, हुआ कैसे ये दिखाते हैं, तो y equal to -3 हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं 0 into x plus y equal to -3, है ना, ये हो गया। अब इसका टेबल हम बनाते हैं, टेबल ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल बनाया जाता है ना, तो ये अब x का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, x का वैल्यू मैं 0 पुट करता हूं तो y का वैल्यू -3, x का वैल्यू अगर मैं 5 पुट करता हूं 5 0 0, यहां मैं छोटा ले लेता हूं वैल्यू, क्योंकि मैंने वैल्यू यहां कम दिया हुआ है, तो 3 तक ले लेता हूं, 3 * 0 = 0, y का वैल्यू -3। तो इसमें से क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है कि x का वैल्यू कुछ भी हो y का वैल्यू भाई फिक्स रहेगा, क्योंकि y का तो -3 दिया हुआ है, y का वैल्यू फिक्स रहेगा x का वैल्यू कुछ भी हो, तो x का वैल्यू इधर भी हो सकता है लेकिन y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू फिक्स है, तो यहां से हमें दो पॉइंट मिला 0 -3 और 3 -3, ठीक है। अब इन दोनों को मैं अगर पुट करता हूं 0 0 -3 का होगा 0 -3 यही पर होगा और 3 -3 का 3 -3 यही पर, अब देखो इन दोनों को जॉइन करता हूं तो ये लाइन बना ना, तो अल्टीमेटली आंसर ये हो गया, है ना। तो यही हम देखा हमने कि x का वैल्यू कुछ भी हम पुट करें y का वैल्यू फिक्स है इस इक्वेशन से, x का वैल्यू यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, लेकिन जब y की बात आती है तो y नीचे की तरफ ही होगा -3 ही होगा, तो हर जगह y सेम है, इसीलिए क्या हो गया ये पैरेलल टू x एक्सिस हो गया। ऐसे करके हर इक्वेशन का चेक कर सकते हो, ऐसे पॉइंट बना के आप देख सकते हो। तो बस इन शॉर्ट आपको याद रखना है, अगर x वाला वैल्यू दिया हुआ रहता है ये दोनों, तो आपको ये करना है x = -3 मतलब
ये x वाला वैल्यू जो है ये y एक्सिस का पैरेलल है, ठीक है। x का वैल्यू अगर माइनस होता है तो मतलब इस साइड में होगा, क्योंकि x माइनस तो इस साइड में होता है ना, x का वैल्यू तो इधर पैरेलल होगा, x का वैल्यू प्लस होता है तो इधर पैरेलल। अब y का वैल्यू दिया हुआ है, y अगर पॉजिटिव होता है तो ऊपर की तरफ, ऐसे x एक्सिस का पैरेलल होगा ऊपर की तरफ होगा, y नेगेटिव होता है तो नीचे की तरफ होगा। ये इक्वेशन जो है इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मैं ड्रॉ कर लेता हूं फिर समझाता हूं क्या है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है, इसके दो साइड का एबी और एसी साइड का मिड पॉइंट जो है वो एक्स वाई है, एक्स वाई है, ठीक। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो बीसी प्लस एक्स वाई ए प्लस ए, इसका वैल्यू दिया हुआ है, हमें ए माइनस ए निकालना है। तो क्लास 9 में एक थ्योरम है जिसे मिड पॉइंट थ्योरम कहा जाता है, अगर आपको याद होगा, नहीं है तो रिकॉल कर लो, मैं समझा देता हूँ वो क्या कहता है। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन बनता है, लाइन सेगमेंट एक्स वाई, वो क्या होता है, थर्ड साइड का पैरेलल होता है। और क्या है, और ये है, ये जो साइड है इसका डबल होता है। मतलब क्या है, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी होता है और एक्स वाई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये होता है, ये थ्योरम ये कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, BC plus XY equal to 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है, देखो इसमें से BC equal to हम निकाल सकते हैं 2XY, तो हम क्या करेंगे, BC equal to 2XY यहां पुट कर लेते हैं, XY equal to 12, इसमें से निकलता है XY equal to 4, 3XY हो जाता है, फिर XY equal to 4, XY का वैल्यू 4 है, यहां 4 अगर पुट कर देंगे तो BC का वैल्यू निकल जाता है क्या, BC plus 4 equal to 12, तो BC का वैल्यू निकल जाता है 8, XY 4, BC 8, यहाँ पुट कर देते हैं ये वैल्यू, BC 8, XY 4, 8 minus 4 equal to 4, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। एक स्क्वायर का डायगोनल आपको दिया हुआ है, इसका जो है पेरिमीटर आपको निकालना है, तो पेरिमीटर हमें पता है, स्क्वायर के पेरिमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 into साइड, अगर ये होता है मान लो, तो पेरिमीटर हो गया P equal to 4 है, है ना, ये हो गया पेरिमीटर इसका फॉर्मूला, पेरिमीटर का फॉर्मूला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ डायगोनल दिया हुआ है, साइड नहीं दिया हुआ है, तो क्या आपको पता है कि इन टर्म्स ऑफ डायगोनल पेरिमीटर का क्या फॉर्मूला है, पेरिमीटर का फॉर्मूला है 2√2 × d, ठीक है। अब ये अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, पहले तो इसका आंसर निकाल लेते हैं, 2√2 × d ये है पेरिमीटर का फॉर्मूला, तो 2√2 × d कितना है, डायगोनल कितना है 24, कितना हो गया 24 × 2 = 48√2, 48√2 हो गया हमारा ये आंसर, 48√2 ये हो गया आंसर। अब मान लो ये आपको याद नहीं है डायगोनल के टर्म्स में पेरिमीटर का फॉर्मूला, तो उसको कैसे निकालना है, देखो सीधी सी बात है, आपको आपको क्या करना है, ये हो गया ना डायगोनल, तो डायगोनल जो है अगर हम देखें तो एक डायगोनल स्क्वायर को दो राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करता है, मतलब दो पार्ट करता है दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री होता है ना सारा एंगल स्क्वायर की, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये डायगोनल है डी डायगोनल, तो ये इस ट्रायंगल के ऊपर वाले ट्रायंगल के, ये हाइपोटेन्यूस है, तो हमें पता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, तो 2a स्क्वायर ये हो गया हमारे पास, ये d स्क्वायर इक्वल टू दिस, d इक्वल टू कितना हो गया √2 है, हमारे पास d मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a निकाल लेते हैं, d by √2 इक्वल टू a, मतलब साइड का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डायगोनल दिया आ गया। अब हमें क्या करना है, पेरिमीटर निकालना है ना, फार्मूला है 4 है, तो 4 * a की जगह a लिख देते हैं √2, अब 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 × d/√2, है ना, तो √2 और 2 कटिंग करके √2 रह जाता, तो ऐसे करके 2√2 d आ जाता है हमारा जो है पेरिमीटर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। अगर आपको याद नहीं है, फॉर्मूला नहीं रहता है, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना।